हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे और अभी हम लोग जाने वाले हैं आज मंदिर। और आपने कल का जो मेकअप ट्यूटोरियल बनाया था वो देखा या नहीं देखा? अगर देखा हो तो उस मेकअप ट्यूटोरियल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, सबसे मेन चीज़, उस मेकअप ट्यूटोरियल को, किसी भी मेकअप ट्यूटोरियल को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि उस मेकअप को शूट करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं सारा टाइम मिलाया जाए तो, रेडी होने से लगाकर सारी चीज़ें इकट्ठी करने में और शूट करने तक का, और एडिटिंग करने में तो क्या मेहनत लगती है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। 3 घंटे लगे चिकू को पूरी वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि मेकअप के ट्यूटोरियल में हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं इसलिए। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर जाके आ जाते हैं। कल वाला व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, और मेकअप का ट्यूटोरियल नहीं देखा हो तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक, और आई बटन में भी दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अभी मैं एक बार मंदिर जाके आ जाती हूँ। एक मंदिर तो जाके आ गए, अब दूसरे मंदिर जाते हैं, गोपू ले लेते हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी जा रहे हैं हम मंदिर, जैसे कि मैं आपको घर से कह के निकली थी। और हाँ, कल वाली वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ जाके देखना और उस पर अपना प्यार ज़रूर दिखाना जैसे कि ब्लॉग्स पे दिखा रहे हो, और उससे भी ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेन मेरा काम है मेकअप के ट्यूटोरियल्स बनाना आपके लिए। और अभी जा रहे हैं हम, आप मेरे ब्लॉग्स में कंटिन्यू हो तो, हम कुछ टाइम पहले एक मंदिर गए थे, उसी मंदिर पर जा रहे हैं, कल्याणपुर से आगे है वो, तो वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। और कल्याणपुर से एक किसी जने को रिसीव करेंगे, दोनों दो तीन छगन हैं उनमें से। हाँ, मम्मी आ रही है, बात हो गई आपकी, तो मम्मी आएगी कल्याणपुर से, तो चलिए आ गए हैं कल्याणपुर में। और अभी बस मम्मी के घर पहुँचने वाले ही हैं, मम्मी को हम हमारे व्लॉग में भी लेते हैं आज तो। बस 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 बस, बस, बस पहुँचने वाले हैं। अच्छा हूँ मैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये ले ले जा। व्लॉग में कौन है? वीर पंचाल हमारे साथ मंदिर आ रहा है, मम्मी और दोनों। हाय। और मेकअप का ट्यूटोरियल भी देखना है बोल दे। मेकअप का ट्यूटोरियल भी देख लो। हाँ, तो अभी जा रहे हैं हम मंदिर, मम्मी और वीर दोनों आ चुके हैं, वीर हमारे साथ एड हो गया, मजा आ गया। कैसा लग रहा है? तूने मास्क भी नहीं पहना है, दो मास्क। इसका पेट यहाँ दूर दबा। अभी तुम्हारे जूते ये दब गए पूरे, पहले अभी नहीं हाथ पक दिन पसंद में जाओ। हाँ, ये क्या बोलते हैं, नदी से आया है क्या पानी? हाँ, मछलियाँ दिख रही है अंदर। पहले आए थे तो बाद में रेके कुंड में हाथ पैर धोने आए थे, मम्मी अब साथ में आई है तो प्रॉपर काम हो रहा है। मम्मी ने बताया कि पहले हाथ पैर धोने पड़ते फिर मंदिर जाना पड़ता है, तो ये मंदिर जा रहे हैं अभी। दर्शन करिए रानी, क्यों एम कर दी तू? अभी महाराज समन और नहीं, भीड़ भी तारी ज्यादा थी वो लगती तो नहीं, आज ज्यादा, आज ज्यादा। हां, मतलब वीर ने जवान होता है, वीर नाटक कर रही है। वीर है वो मोड़ बड़ा में जीवित ने देखो अनुस्ता है। दर्शन हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, पहली बार तो पता भी नहीं चल रहा था कैसे क्या करना है, पर अब की बार मम्मी आई तो मम्मी ने एक एक चीज़ बताई और अच्छे से हुए दर्शन। बहुत मैं डर गई, मैं डर गई। खोलो चलो, थोड़ा आगे जाके रोक देना। अभी हम घर के लिए रिटर्न हो गए हैं सब जने, और बस ये निकल रहे हैं, जल्दी से अच्छे दर्शन हो गए। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बाकी तो दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और सोमवार था इसलिए थोड़ी सी भीड़ थी। अभी सीधे अब कल्याणपुर से केशा जी, ये कोई नई गाड़ी आ रही है, हम लोग रिवील कर रहे हैं, देखो पूरी पैक होके जा रही है। कौन सी होगी, क्या लगता है? देखो बाय बाय, जब नहीं आएगी तब तो पता चल जाएगा कौन सी आ रही है।
और अभी हम आ गए होटल खाना खाने के लिए, क्योंकि हम दोनों ही हैं घर पे इसलिए, और काफ़ी लेट भी हो गए थे, एक तो बज गई थी, तो क्यों ना चलो होटल ही खा के आ जाए, टाइम बच जाएगा। मैं शॉप पर आ गई थी और हम लोग आज मंदिर गए थे, मंदिर से फिर डायरेक्ट गए थे होटल, क्योंकि मम्मी पापा थे नहीं तो हम दोनों का ही खाना था, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना होटल खा के आ जाते, होटल गए थे खाना खाने के लिए। और फिर मैं आ गई शॉप पर, कुछ काम था, फ्री नहीं थी तो कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाई थी। तो अभी बज रही हैं शाम की 6 और शॉप पर भी लेट ही आई थी, क्योंकि हम लोग वहाँ से ही लेट हो गए थे, लगभग 2 तो बज ही गई थी हमको घर पे, कम्प्लीट शॉप पर पहुँचते पहुँचते जैसे ही होटल से आए थे घर पर गई थी। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया था क्योंकि मुझे नींद ऐसा हो गया था खाना खा के, शायद आज मेरा व्रत था तो पेट फुल लग रहा था, मुझे सुबह ज़्यादा खावा गया था थोड़ा सा। अभी हम चलेंगे घर, वीडियो आपने देख लिया होगा, हालांकि ट्यूटोरियल जो भी आया है, जैसे कि मैंने सुबह भी बोला था मेरी वीडियो में, प्लीज़ जाके ये वो वीडियो ज़रूर देखें और उस वीडियो को इन्जॉय करें, बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल बनाया है। चलते हैं घर पे, लगभग 10-15 मिनट बाद जाएंगे, टाइम तो हो गया है, लगभग 6 तो बज गई है, 6:30-7 बजे तक जाते हैं अपन। और हाँ, कितने जनों को बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है कि मेरी शॉप है वो किस चीज़ की है, तो चलो आपको आज मैं दिखा देती हूँ मेरी शॉप किस किस चीज़ की है, आज कर देती हूँ मैं आप सबका कन्फ्यूजन दूर, क्योंकि बहुत सारे जनों को लगता है कि मेरी शॉप पर सिर्फ जेंट्स का यानी सामान मिलता है या फिर लेडीज़ का मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों जेंडर्स के लिए सामान है। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है मेरी शॉप पर। तो है ममाअर्थ के प्रोडक्ट, ममाअर्थ में आ गया शैम्पू, कंडीशनर, फेस के फेस वॉशेज एंड फेस सीरम्स हो गया, डिफरेंट टाइप के फेस वॉशेज हैं, ये पूरा हेयर का हो गया, गुड हेयर का, ये बॉयज़ के लिए फेस वॉशेज हैं सारे, और ये सारे बॉडी वॉशेज हैं, और इधर भी बॉम्बे शेविंग का, इसमें लेडीज़ की ग्रूमिंग की भी चीज़ें हैं, जेंट्स की ग्रूमिंग की भी चीज़ें हैं, और ये सारा वाव का सेक्शन है, इधर वाव के में कम्प्लीट जो भी शैम्पू है, कंडीशनर्स हैं, और फेस वॉशेज हैं, फेस सीरम है, बॉडी वॉश है, इसके बाद बॉडी बटर्स हो गए, इसके बाद हेयर वर्निश हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें कंप्लीट ये पूरा स्किन केयर है, ये हेयर केयर है, हेयर केयर की शैम्पूज हैं, ये कंडीशनर हैं, ये भी शैम्पू कंडीशनर्स हैं, और ये है स्किन के ट्रीटमेंट, जो भी स्किन की प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड, ये भी स्किन का ट्रीटमेंट है, और ये धूप हो गया, और ये एयर फ्रेशनर के डिस्पेंसर्स हो गए, और इधर हैंड वॉश भी मिल जाएगा आपको, और ये फेस वॉश हो गया, टोनर हो गया, फेस सीरम्स हो गई, हेयर स्पा के लिए मास्क हो गया, हैंड वॉशेस हो गए, हैंड सैनिटाइजर्स हो गया, फेस वॉश हो गए डिफरेंट टाइप्स के, इंटीमेट वॉश हो गया, फेशियल किट्स हो गए, इसके बाद ये स्ट्रेटनिंग हेयर ऑयल है, ये सारा यानी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का है, सब डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं तो हम यहाँ पर सारे हैं इत्र, ये सारे अजमल के इत्र हैं, ये सारे मरियास के परफ्यूम्स हैं, ये यार्डले के पॉकेट परफ्यूम्स हैं, यहाँ पर हैं अंडरआर्म रोलर, एंड यहाँ पर है सोप्स यार्डले के, और ये है टैल्कम पाउडर सारे याडले के, और यहाँ पर है सभी तरीके के डियो, और ये भी सारे डियो हैं यहाँ पर, यहाँ पर है परफ्यूम, और लिप केयर्स भी अवेलेबल है, इसके बाद बॉडी बटर्स भी अवेलेबल है, और ऑयल्स भी अवेलेबल है, और यहाँ पर आ जाता है सारा शुगर का सामान, शुगर में भी कंप्लीट रेंज अपने पास अवेलेबल है, और ये नेल एक्सटेंशन का भी अभी नया आया है, ये गर्ल्स के लिए नेल एक्सटेंशंस भी हैं, जो कि आप चाहते हो तो परचेज भी कर सकते हो, और आप चाहते हो तो यहाँ पर लगवा भी सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। और एयर फ्रेशनर आ गए सारे, लग्जूरियस ब्रांड का भी है, नॉर्मल रेंज का भी है, कैंपर कोन्स आ गए, कार के फ्रेशनर्स आ गए, इसके बाद यहाँ पर आ गए नॉर्मल से लगा कर लग्जरी टिशू तक, टिशू के बॉक्सेस आ गए, इसके बाद टिशू की वाइप्स आ गई, और ये भी टिशू हैं, ये किचन टॉवेल्स हैं, ये भी क्लीनिंग के लिए टॉवेल है, इसलिए लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ के लिए है या फिर जेंट्स के लिए है, डिफरेंट टाइप्स के हैं सारे, सोप्स भी मिल जाएंगे आपको इसमें, बॉडी वॉशेज भी मिल जाएंगे, स्किन केयर है, फेस का केयर है, बॉडी केयर है, सब कुछ डिफरेंट टाइप का है, टिश्यूज़ वगैरह भी आ जाते हैं, एयर फ्रेशनर आ जाते हैं, धूप आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार विज़िट करोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि आप सबको कन्फ्यूजन था कि मेरी शॉप पर सिर्फ लेडीज़ का सामान मिलता है या फिर जेंट्स का, ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग अलग तरीके के सामान है, और दोनों के लिए हैं,
और लूफा, नेल कटर वगैरह सब कुछ है जो कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हैं अपने पास। और परफ्यूम का काम तो मेन है ही, परफ्यूम का काम है और स्किन केयर का काम है और हेयर केयर का सभी तरीके के प्रोडक्ट है। घर आ गए थे और फिर मैं धो रही थी कपड़े वगैरह और कपड़े फिर सुखाए और कपड़े समेटे भी थे जो कि मैंने कल परसों धोए थे वो, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। और मेरा व्रत था और चिकू ने भी आज खाना नहीं खाया शाम को, क्योंकि हमने सुबह खा लिया था अच्छे से और पापा के ही सिर्फ खाना था तो वो सिर्फ पापा के लिए मम्मी ने बना दिया था। काफ़ी दूसरे बाकी काम कर रहे थे इसलिए कैसे टाइम हो गया पता ही नहीं चला। और अभी हम सब जने बैठे थे, फैमिली टाइम चल रहा था तो इसलिए टाइम हो गया, 11:30 हो गई है। तो यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।